एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दू साजिया और चिंग केई दोनों काफी डिसअपॉइंटेड थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद जिंग जून गे है और उसे येरन से प्यार है। अब घर पहुंचने पर जब वो जिंग जून को देखती है तो उसके नए लुक को देखकर वो खुश होने के बजाय अपना मूड खराब कर लेती है। उसने भी अपने बाल बनवा लिए थे जिंग जून पर नजर रखने के लिए, लेकिन अब उसे जिंग जून बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक गे है। शाम को जिंग जून जिंग गे के लिए एक स्पेशल सा डिनर भी रेडी करता है और येरन के दिए गए टिप्स के अकॉर्डिंग वो उसे खिलाने की भी कोशिश करता है, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका था। जिंग गे गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है, तभी वो फिसल कर गिरने लगती है, पर जिंग जून उसे संभाल लेता है। ये एक रोमांटिक सीन बनने ही वाला था, तभी उन दोनों के पेट की गुड़गुड़ यहाँ का सीन खराब कर देती है। अब जिंग गे अपना शक कंफर्म करना चाहती थी, वो उसे इंटरनेट पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि कुछ बॉयज होते हैं जिनको बॉयज में इंटरेस्ट होता है। वो उसे इस बारे में उसकी राय पूछती है तो उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। अब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो सच में गे है और उसे येरन से प्यार है। नेक्स्ट डे वो दूसाजिया के साथ फिर से उसका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि येरन और जिंग जून दोनों एक डेट पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए होते हैं। वो दोनों उसे देख रही होती हैं। यहाँ येरन जिंग जून को फिर से एक रोमांटिक लेसन सिखाता है, पर बाहर दोनों गर्ल्स को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। दूसाजिया तुरंत अंदर जाकर येरन की पिटाई करने लगती है, जबकि जिंग के जिंग जून से नाराज होकर वहाँ से जा रही थी। जिंग जून उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो नहीं रुक रही थी। वो उसे एक ट्री के साथ लगाकर वहीं खड़ा हो जाता है और उसे किस करता है। इसी के साथ उसकी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती है। अब उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। वो उसे बताता है कि जो कुछ भी तुमने देखा असल में वैसा कुछ भी नहीं है। मैं येरन में इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि वो मुझे सिखा रहा था कि मैं अपने लव को तुम्हारे सामने कैसे एक्सप्रेस करूं। अगर मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो वो तुम ही हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि कोई दूर से उन्हें देख रहा था। रात को जिंग जून सोचता है कि मैं किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीत सकूं। एक्चुअली केई को एक्शन मूवीज बहुत पसंद थी, खासकर स्पाइडरमैन तो उसका फेवरेट था। वो सोचता है कि मेरे अंदर तो ऐसी स्किल्स भी हैं, तो मैं भी सुपर हीरो बन सकता हूँ। अब वो सारा दिन मार्शल आर्ट क्लब में लेसन दिया करता था, जहाँ येरन ने भी उस क्लब को ज्वाइन कर लिया था, और वो पूरा दिन दूसाजिया से झगड़ता था, जबकि शाम को वो सुपर हीरो बन के लोगों को चोरों और बदमाशों से बचाता था, जिससे सोशल मीडिया पर भी उसके चर्चे होने लगते हैं। उसने अपना नाम हीरोइक मैन रखा था। केई के ऑफिस में भी नेक्स्ट टारगेट यही था कि उन्हें अपने न्यूज चैनल पर रियल हीरोइक मैन को दिखाना है। वो बेड सीट और कभी कभी सोफे का कवर पहन कर लोगों के सामने आया करता था। वो अपने फेस पर भी मास्क लगा कर रखता था, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। जिंग जून हीरो बन के सोशल वर्क तो कर लेता था, पर उसे पैसों की भी जरूरत थी, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं पार्ट टाइम एक स्टंट मैन बन जाऊं। और यही बात वो केई से भी डिस्कस करता है। केई उसे परमिशन दे देती है, लेकिन कहती है कि किसी भी तरह तुम्हारी सुपर पावर्स का किसी को कोई आइडिया नहीं लगना चाहिए। और फिर वो उसे कहती है कि कल चिल्ड्रन डे है, क्यों ना कल हम भी इसे सेलिब्रेट करें। अब जिंग जून हैरान था कि चिल्ड्रन डे से हमारा क्या लेना देना, लेकिन फिर उसे कहता है कि ठीक है, हम डेट पर जाएंगे कहीं मूवी देखने के लिए। लेकिन केई का कुछ और ही मूड था। वो कहती है कि क्यों ना हम घर पर ही रहें और एक साथ समय बिताएं, जैसा लवर्स को करना चाहिए वैसे ही करें। यहाँ पर जिंग जून कहता है कि मैं अब समझ गया, अब मैं तैयार रहकर कल रात के लिए तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दूंगा। अब जिंग केई ये सुनकर शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट डे केई को अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर वापस आना था, लेकिन उसे पता चलता है कि आज ही वो लोग एक मिशन करने वाले हैं और उस मिशन का मेन मोटिव रियल हीरोइक मैन का असली चेहरा दिखाना है। वो खुद ही विक्टिम बनकर बैठेंगे और ऑफ कोर्स उस एरिया में हीरोइक मैन उसे बचाने के लिए आएगा। इधर जिंग जून काफी खुश था, वो जल्दी जल्दी अपनी मार्शल आर्ट की क्लासेस देकर वापस आ रहा था। अब केई जब घर पर आती है तो कहती है कि सॉरी, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि आज रात मुझे ओवर टाइम करना है। और उसे अपना प्लान बता देती है कि किस तरह से उसे रियल हीरोइक मैन को टीवी पर दिखाना है। यहाँ जिंग जून सारी प्लानिंग सुनकर खामोश रहता है। इसके बाद वो उसके सामने डिनर लेकर आ जाता है। यहाँ खाने की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जिंग जून कहता है कि मैंने रेसिपी को बिल्कुल ठीक से फॉलो किया है, देखने में तो वैसा नहीं है पर टेस्ट जबरदस्त होगा। लेकिन वो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी,
पर एक्चुअली यही वो फर्स्ट टाइम था जिसका चेंग जून ने कल जिक्र किया था। वो फर्स्ट टाइम कुकिंग की बात कर रहा था। उसने लाइफ में पहली बार कुकिंग की थी, वो भी चेंग केई के लिए। अब चेंग केई सोचती है कि इतना भोला भाला स्वीट सा बंदा क्या मेरे ही हिस्से में आना था। अब डिनर के बाद वो बाहर जाकर एक विक्टिम बनकर खड़ी हो जाती है और दूर से चेंग जून भी उस पर नजर रखे हुए था। इतने में उसके करीब एक जोकर आता है। वो समझती है कि प्लान के मुताबिक ऑफिस से जोकर बनकर उसका कुलीग आया होगा, पर वो उसी टाइम नाइफ निकाल लेता है और उस पर हमला करता है। वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रही थी, वो एक जगह खुद को छुपा लेती है। चेंग जून सोचता है कि ये सारा कुछ इतना रियल क्यों लग रहा है। एक्चुअली ये सब कुछ रियल ही था, उसका कुलीग तो वहाँ पहुँचा ही नहीं था, बल्कि असल में किसी ने केई पर हमला किया था, उसके हाथ में एक नाइफ भी था। यहाँ चेंग जून आकर उसे बचाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो नाइफ रियल होगा। उसे लग रहा था कि ये सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, और इसी बीच उसे घाव भी लग जाता है। अब चेंग जून उसे फाइट करता है, पर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके पीछे पीछे नकली वाला जोकर भी पहुँच चुका था, जिसे चेंग जून इतना मारता है कि मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। इसी बीच चेंग केई चेंग जून को पहचान जाती है। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि चेंग जून को कमर पर चोट लगी हुई थी, पर वो ऐसा एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। यहाँ पर चेंग केई कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये रियल हीरोइक मैन हो, तुमने अभी अभी मुझे बचाया है, और ये तो मैं जरूर ही कंफर्म करूंगी। अभी के अभी अपने कपड़े उतारो और मुझे दिखाओ कि तुम्हें कोई घाव नहीं लगा है। अब बस चेंग जून आगे आगे था और केई पीछे पीछे। वो बहुत कहता है कि गर्ल्स को तो जेंटल और शर्मीला होना चाहिए, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। लेकिन केई का कहना था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, एक ना एक दिन तो मैंने तुम्हें देखना ही है, क्यों ना आज ही तुम अपने कपड़े उतार कर मुझे चेक करा दो। और फिर उनकी फाइट चलती रहती है। अब कोई इनकी फाइट आकर रुकवाता है तो वो उसके नेबर्स थे, जिन्होंने पुलिस को बुला लिया था कि ये दोनों इंडिसेंट बातें कर रहे हैं। बेशक यहाँ कपल्स रहता है, पर इन्हें कुछ तो मैनर होना चाहिए कि आसपास और लोग भी रहते हैं। अब ये सुनने के बाद केई और चेंग जून खूब हंसते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग केई अपने साथ चेंग जून को उठाकर जॉगिंग पर ले जाती है। अब यहाँ उसे अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि ये ठीक से नहीं भाग पा रहा, मतलब जो चोट लगी थी वो इसे ही लगी है, और यही कल का हीरोइक मैन था। नेक्स्ट डे उसके ऑफिस में मीटिंग होती है, जहाँ चेंग केई चेंग जून को छुपाना चाहती थी, तो वो झूठ बोलती है और बताती है कि हीरोइक मैन की हाइट काफी छोटी थी और उसकी उम्र भी ज्यादा लग रही थी। पर इस बात से उसकी कुलीग हानि को उस पर शक हो जाता है कि वो कुछ छुपा रही है। उधर चेंग जून को उसके मार्शल आर्ट क्लब का फ्रेंड रूई मिलता है, उसे भी चोट लगी हुई थी। चेंग जून के पूछने पर वो बताता है कि वो बस सीढ़ियों से गिर गया था। रूई ने थोड़ी ही देर में चेंग जून से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। वो उसे लंच पर इनवाइट करता है और कहता है कि साथ में चेंग केई को भी जरूर लेकर आना। और यहीं पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली रूई ने ही दूसाजिया को ये रिकमेंड किया था कि मार्शल आर्ट क्लब का नया टीचर चेंग जून को ही बनाया जाए। अब इन बातों की वजह से उसका कैरेक्टर काफी सस्पिशियस हो गया था। नेक्स्ट डे वो तीनों लंच कर रहे होते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली रूई की एक गर्लफ्रेंड थी, वो कोई सुपरस्टार थी और उससे उसका सीक्रेट रिलेशन था। आजकल उन दोनों में कोई मसला हो गया है और वो उसे काफी ज्यादा मिस भी करता है। यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें होती है कि केई को रूई पर शक हो जाता है। उसके बोलने का स्टाइल भी कुछ डिफरेंट था, और इसके साथ ही साथ जिस जोकर ने कल उस पर हमला किया था उसके पास भी एक नाइफ था जिसमें बॉटल ओपनर था, और आज वही चाकू उसने रूई के पास भी देखा था। इसके अलावा उसे ये भी शक हो गया था कि जो कोई इतने टाइम से उसका पीछा कर रहा था वो एक्चुअली रूई ही था। वो जल्दी जल्दी तबीयत खराब होने का बहाना करके जाना चाहती थी, लेकिन रूई उसे ट्रैप करके वहीं बिठा लेता है और चेंग जून से कहता है कि सामने मेडिकल स्टोर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेडिसिन लेकर आओ। और यहाँ पर उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे कि उसे फौरन से कह देती है कि तुम वो जिंग के बॉयफ्रेंड होना। उसकी इस बात पर वो अपनी गन निकाल लेता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। चेंग जून करीब के स्टोर पर था, उसे लोगों के चीखने की आवाजें आती है तो वो फौरन वहाँ पहुँच जाता है, और जैसे ही केई को गोली लगने वाली थी तो वो उड़ते हुए आकर उसे बचा लेता है। अब केई की जगह उसे गोली लग गई थी। यहाँ वो रूई का मुकाबला करता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। उसे गोली लग गई थी और वो बुरी तरह से घायल था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने केई को एक खरोच भी नहीं आने दी। इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है
और उसे एक विजन दिखता है कि उसे उसका एल्डर ब्रदर हमेशा यही कहा करता था कि जब भी तुम्हें कोई लड़की मिले जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो तो देर मत करना, उसे फौरन से फौरन शादी कर लेना। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था। यहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि रूई वुजिंग का एक साइकोपैथ फैन था जो उसके लिए हर हद तक जाने को तैयार था, और वुजिंग ने ही उसे यूज किया था अपने सारे काम निकलवाने के लिए। और जब वो अरेस्ट हो गई थी केई की वजह से, तो वो हर हाल में केई से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया है। केई अब जिंगजून के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो कि मेरी खातिर तुमने खुद को खतरे में डाल दिया। लेकिन जिंगजून तो उसे प्यार करता था, वो उसे उस हाल में कैसे छोड़ सकता था। अब जिंग केई उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है और कहती है कि मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है जो कि मैं पूरा पूरा चुकाऊंगी। लेकिन जिंगजून उसे अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि जब तुम मेरे पास हो तो मुझे दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। उधर हम ऑफिस में देखते हैं कि केई के बैग से हानी ने चाबियां चुरा ली थी जो कि उसके फ्लैट की कीज थी। केई तो शाम को हॉस्पिटल में ही थी जबकि वो उसी टाइम उसके घर पर पहुँच कर उसकी तलाशी लेती है। वो जब जिंगजून के रूम में जाती है तो उसे वहाँ रियल हीरोइक मैन के कुछ ड्रेसेस भी दिख जाते हैं जिससे उसका शक कंफर्म हो जाता है। उधर जिंगजून जिंग केई के साथ रोमांस कर रहा था, वो उसे लिटाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। जिंगजून का कहना था कि मैंने अच्छे से सोचा है, मुझे 5 बच्चे चाहिए। केई ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम किस जमाने से आए हो, आजकल इतने बच्चे नहीं होते। निष्ठे दो साजिया केई के ऑफिस में आई हुई थी। केई को असिस्टेंट एंकर बनकर अपना काम शुरू करना था लेकिन एंड टाइम पर उसे पता चलता है कि ये काम उसकी जगह दो साजिया को मिल चुका है क्योंकि उसके फादर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं और उनकी बिगड़ी बेटी की यही विश थी। क्योंकि जिंगजून ने एक बार उसके सामने कहा था कि मुझे एंकर वुमेन बहुत अच्छी लगती हैं, पर उसका इशारा तो केई की तरफ था। इधर जिंगजून हॉस्पिटल में केई को प्रपोज करने के तरीके सोच रहा था। वो काफी नर्वस था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह से प्रपोज करे। इतने में बाहर उसे एक पेशेंट गिरी हुई मिलती है। एक्चुअली वो कोई पेशेंट नहीं बल्कि हानि थी। वो अपना गेटअप चेंज करके एक्टिंग कर रही थी। यहाँ वो जिंगजून से दोस्ती कर लेती है और उसे बताती है कि मुझे हार्ट डिजीज है और मेरे बचने के चांसेस बहुत कम है। इधर प्रेसिडेंट मिंग केई को बताती है कि असिस्टेंट एंकर तो तुम्हें ही बनाया जाना था, पर एंड टाइम पर कंपनी के चेयरमैन ने ये फैसला बदल दिया और तुम्हारी जगह किसी और को रख दिया, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। इधर जिंगजून ने जिंग केई को प्रपोज करने के लिए मिंग येरेन से बहुत सारी चीजें लाने को कहा था। इतने में केई वहाँ आती है और उसे कहती है कि देखो तुमने दो साजिया से कहा था कि तुम्हें एंकर वुमेन पसंद है, इसी वजह से मेरी पोस्ट चली गई। इस पर जिंगजून कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ज्यादा बिजी नहीं रहोगी और मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हो। वो केई को इनवाइट करता है कि हम परसों रात को ठीक 12 बजे अपने घर के रूफटॉप पर मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर्स परेशान थे क्योंकि जिंगजून की इम्यूनिटी कुछ ठीक नहीं थी, उसका घाव जल्दी भर नहीं रहा था। वो लोग उसे छुट्टी नहीं देना चाहते थे, पर वो बताता है कि मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। नेक्स्ट डे हानी भी जिंगजून से मिलने आती है और उसे एक हीरो का ड्रेस दिखाती है और उसे बताती है कि मैं रियल हीरोइक मैन की क्रेजी फैन हूँ, प्लीज इसे पहनकर मुझे दिखाओ, रियल हीरोइक मैन मुझे तुम्हारे जैसा ही दिखता है। यहाँ जिंगजून को याद आता है कि केई ने उसे कहा था कि किसी को तुम्हारी सुपर पावर्स का पता नहीं चलना चाहिए वरना ये लोग तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम्हें मुझसे दूर लेकर चले जाएंगे। इस पर वो उन कपड़ों को पहनने से इनकार कर देता है। इसके बाद केई और दूसाजिया दोनों जिंगजून को देखने हॉस्पिटल आती हैं। दूसाजिया को अभी तक केई और जिंगजून के रिलेशनशिप का पता नहीं था, वो इसलिए अभी भी जिंगजून का दिल जीतना चाहती थी। केई सोचती है कि अभी ये हर्ट हो जाएगी, इसीलिए इसे मैं अभी नहीं बल्कि कल इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसके बाद बताऊंगी। इसके बाद हॉस्पिटल में हानी जिंगजून के पास कॉल करके बताती है कि मैं सुसाइड कर रही हूँ और वो हॉस्पिटल के रूफटॉप पर बैठी हुई थी। जिंगजून तुरंत वहाँ पहुँचता है पर वो उसे आगे आने से मना कर देती है। वो उसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो अपनी बीमारी से थक कर अब खुद को मारना चाहती है।
यहाँ पर चेंग जून उसके आइडल हीरो की तरह एक्टिंग करने लगता है। वो उस पर बिलीव नहीं करती और कहती है कि ये कपड़े पहनकर दिखाओ। इस पर वो कपड़े भी पहन लेता है, लेकिन हानि का कहना था कि ये सब कुछ झूठ है, तुम मुझे बहलाने के लिए ऐसा कर रहे हो। यहाँ वो जैसे ही रूफ टॉप से गिरने वाली थी, तभी चेंग जून उड़कर उसके पास जाकर उसे संभाल लेता है। और ये सब कुछ वहाँ हानि के लगाए हुए कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया था। ये वीडियो प्रेसिडेंट मिंग के पास पहुँच चुकी थी, तभी चेयरमैन यून भी वहाँ आता है और वीडियो को देख लेता है। वो जैसे ही जेंग को देखता है तो चौंक उठता है और कहता है कि ये कौन है और इस टाइम कहाँ है, जिस पर प्रेसिडेंट मिंग उसे सब कुछ बता देती है। इधर चेंग जून को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, वो रूफटॉप सजाने में लगा हुआ था। उसने येरेन से एक जेट रिंग भी मंगवाई थी। येरेन उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है और कहता है कि आज मेरा एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इधर चेयरमैन यून हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि जेंग जून को छुट्टी मिल गई है, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था। इधर दूसाजिया के सामने येरेन के मुंह से निकल जाता है कि एक्चुअली जेंग के ही जेंग जून की गर्लफ्रेंड है। इस बात से दूसाजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो केई को धक्का देकर कहती है कि तुम्हें मैंने अपना फ्रेंड समझा, पर तुम तो दोगली निकली। इधर प्रेसिडेंट मिंग ने सोचा था कि वह जेंग जून के रियल हीरोइक मैन वाली वीडियो को ऑन एयर कर देगी, पर तभी वहाँ चेयरमैन यून आकर उसे रोक देता है कि ये वीडियो कहीं पर भी लीक नहीं होनी चाहिए। इधर जेंग जून रूफटॉप को सजा चुका था, वो अपने सपने में बार बार रिहर्सल कर रहा था कि वो किस तरह जेंग केई को प्रपोज करेगा। इधर केई का आज ओवर टाइम था। यहाँ पर शो के बीच दूसाजिया को थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थी। यहाँ पर केई धीरे से जाकर उसे स्क्रिप्ट पकड़ा कर उसकी हेल्प करती है। इसी बात की वजह से दूसाजिया का दिल फिर से साफ हो जाता है और वो शो के बाद केई को थैंक्स बोलती है और केई भी उसे सॉरी करती है। वो कहती है कि मुझे भी तुम्हें जल्दी से बता देना चाहिए था, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर और अमीर हो, तुम्हें और भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तभी वो देखती है कि रात के 11:30 बज चुके हैं। वो जल्दी से टैक्सी पकड़कर घर जाती है। वो रूफटॉप पर पहुंचती है तो वहाँ हर चीज सजी हुई थी, पर जेंग जून वहाँ नहीं था, बल्कि फर्श पर एक जगह उसे ब्लड गिरा हुआ नजर आता है। तभी वो देखती है कि टेबल पर एक रिंग पड़ी थी जिसके नीचे एक लेटर था जिसमें लिखा था कि मैं जहाँ से आया हूँ वहीं पर वापस जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसे लगा शायद जेंग जून उससे कोई प्रैंक कर रहा है, पर वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक डिटेल लेटर मिलता है जिसमें जेंग जून उसे यही कह रहा था कि मुझे वापस जाने का एक रास्ता मिल गया है, मैं जल्दी में था इसीलिए तुमसे गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला। मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वो बहुत प्रीसियस था, पर मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा। यहाँ जेंग केई को याद आता है कि जेंग जून कुछ दिनों से टाइम ट्रैवल से रिलेटेड बुक पढ़ रहा था। ये सब जानकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।